खौफ और डर के बिना वाला माहौल बना देने के लिए योगी आदित्यनाथ जी की जो पहल है, मुझे लगता है कि बहुत ही काबिले तारीफ है और ऐसे होना चाहिए। वहाँ से कोई इंडस्ट्री हटाई नहीं जा रही, यहाँ पर इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए, कि दिल्ली में भी आप देखिए कितनी बॉलीवुड मूवीज़ हैं जो कि ज़्यादातर पहले होता था लोकेशन वहाँ की रखी जाती थी मुंबई की, आज जितनी भी मूवीज़ बनती हैं उनमें सारी लोकेशन दिल्ली की ही होती है, तो उसको किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए इसके ऊपर चर्चा करने योगी आदित्यनाथ गए थे। मैम, जब से ये बॉलीवुड इंडस्ट्री में जब ड्रग्स की चीज़ें सामने आई हैं तो बहुत सारी प्रतिक्रिया आई है देश भर से, उसी पर अब योगी आदित्यनाथ जी ने जो है जो फिल्म इंडस्ट्री है जो उसको नोएडा में स्थापित करने की बात करी थी उसी पर बौखला गए थे उद्धव ठाकरे, और अब संजय राउत जी की भी प्रतिक्रिया सामने है और संजय राउत जी ने ये बोला है कि आप कभी भी बॉलीवुड इंडस्ट्री को शिफ्ट नहीं कर सकते, तो ये शिफ्ट करने वाली बात कहां से आ जाती है बीच में? यही तो मैं आपको बोल रहा हूं, मुझे समझ नहीं आ रहा कि संजय राउत जी और उद्धव जी को ऐसा क्यों लग रहा है कि वहां से इंडस्ट्री को छीन कर झपट कर यहां पर नोएडा में शिफ्ट किया जा रहा है, जबकि नोएडा में पहले से थी। ठीक है, आप ऐसा माहौल दीजिए ना फिर लोगों को। आपको अगर ये डर है, आपको ये खतरा है कि आपकी फिल्म इंडस्ट्री वहां से दिल्ली आ जाएगी, नोएडा चली जाएगी, यूपी चली जाएगी, तो उसका कारण तो आप खोजिए। आप लोगों को ऐसा माहौल क्यों नहीं दे पा रहे? लोग वैसे भी इतने दूर दूर से यूपी के आधे से ज्यादा इंडस्ट्री में जो लोग काम करते हैं, जो मतलब कैमरामैन हो गए, जो वार्ड बॉयज हो गए, मेकअप आर्टिस्ट हो गए, बहुत सारे लोग जो यूपी बिहार हरियाणा ऐसी जगहों से आए होते हैं, तो मुझे लगता है कि इंस्टेड ऑफ गोइंग देयर, यहाँ से इतनी दूर मुंबई जाने के बजाय यूपी उन्हें पास पड़ेगा, तो अपने परिवार से भी टाइम टू टाइम मिल सकते हैं और एक ऐसा माहौल उन्हें दिया जाएगा जिसमें ड्रग्स जैसी चीजें ना हो ना। अगर आप बॉलीवुड में ड्रग्स को नहीं आने देते उद्धव जी, तो मुझे नहीं लगता कि इस इंडस्ट्री को कहीं जाने की ज़रूरत पड़ती है। और अभी भी कोई इंडस्ट्री कहीं नहीं जा रही, और देर आए दुरुस्त है, अगर अभी भी आप रोकथाम कर दें, फिल्म इंडस्ट्री से ड्रग को उठा के ड्रग माफिया को बाहर फेंक दें, एक कड़े कदम उठाएं, नेपोटिज्म पे कड़ी आवाज रखें, बुलंद आवाज रखें और कहें कि नहीं, सुशांत सिंह जैसे जितने भी लोग हैं जिनके साथ जो नेपोटिज्म का शिकार हुए, जिनके साथ ऐसे किया जाता है, मैं उनके साथ खड़ा हूं और फिल्म इंडस्ट्री में जो भी ऐसे करेगा उसको कड़ी सजा दी जाएगी, लेकिन आप कहीं दिखे ही नहीं। तो अगर योगी आदित्यनाथ ने ये कदम उठाया है तो मुझे लगता है वो ऐसे लोगों के लिए उठाया है जो बेचारे इन चीजों का शिकार होते हैं, जिनको पिक्चरें नहीं मिलती, जो सोचते हम लड़कियां सोचते हम गलत रास्ते से जाएं तो शायद हमें पिक्चरें मिलेंगी, लड़के सोचते हम भी गलत रास्ते से जाएं तो ही शायद फिल्में मिलेंगी, क्योंकि वहां पर माफिया राज है, लोगों को पता है कि यहां पर दाऊद का पैसा लगता है, तो क्या दुनिया को अगर पता है तो उद्धव जी आपको नहीं पता? और अगर आपको पता और फिर भी आप आंखें बंद करके बैठे तो मैं तो ये कहूंगी कि आप तो वो क्या कहते हैं, वो कबूतर बन के बैठे हैं कि आंखें बंद कर ली तो बिल्ली सामने आ रही है, आपको मार भी रही है, लेकिन आपको ये पता है आपकी आंखें बंद है, तो अगर आपकी आंखें बंद रहेंगी तो बिल्ली तो रुकेगी ना, वो तो सबको खत्म कर जाएगी, वो आपको भी खत्म कर जाएगी और भी आपके साथ होंगे उनको भी खत्म कर जाएगी। तो मुझे लगता है कि बॉलीवुड को बचाने का यही एक तरीका है कि योगी आदित्यनाथ जी के कदम को सराहा जाए। आप अपनी तरफ से अपने वहां जो चेंजेस है वो लाइए और जो योगी आदित्यनाथ कर सकते हैं वो करें। मैम, हम हमेशा से देखते हुए ये बॉलीवुड इंडस्ट्री जो है और अब जो सामने काला जो सच बाहर आ रहा है वो मनी लॉन्ड्रिंग जैसी चीज़ें, चाहे हम उसमें मर्डर देख लें, फिर हम चाहे उसमें ड्रग पेडलिंग देख रहे हैं, ड्रग्स जो माफिया पूरा चल रहा है बॉलीवुड इंडस्ट्री में, क्या आप जो योगी आदित्यनाथ जी जो यहाँ नोएडा में जो इस चीज़ को आगे बढ़ा रहे हैं, जो इंडस्ट्री को आगे बढ़ा रहे हैं, क्या ये सारी चीज़ें जो हैं ये ख़त्म होंगी, क्या लगता है आपको? देखिए, अगर इतना बड़ा कदम उठाया जा रहा है और योगी आदित्यनाथ अपने इन्हीं कामों के लिए मशहूर हैं, वो गिने जाते हैं कि जब वो उन्होंने मुख्यमंत्री की शपथ ली थी तो उन्होंने ये कहा था कि जो भी गुंडे हैं, जो भी माफिया हैं, गुंडे हैं, या तो वो अपना काम धंधा बंद कर दें या फिर यहाँ से चले जाएं, नहीं तो फिर तैयारी रखें कि उनके साथ कुछ भी हो सकता है, मतलब या तो उनको जेल होगी या एनकाउंटर होगा। तो ये इस मामले में मैं कहूँगी कि योगी आदित्यनाथ का एक ही एजेंडा है कि किसी भी इस टाइप की ताकतों से डरना नहीं, डट के मुकाबला करना, ताकि लोग क्या होते हैं, आपने देखा होगा जब हम छोटे छोटे थे दाऊद का कितना बड़ा एक पूरा गैंग मुंबई पर छाया हुआ था, तो तब क्या शिवसेना तब नहीं थी वहाँ, कैसे दाऊद ने अपनी जड़ें वहाँ पर स्ट्रॉन्ग की, सोचने वाली बात है ना। दाऊद जैसा बंदा जिसने अपनी जड़ें वहाँ पर स्ट्रॉन्ग की, उसके बाद देश को इतना, देश का अहित किया, मुंबई का जो ब्लास्ट हुआ, और अभी 26/11 भी अभी जुम्मा 10 साल 8-10 साल पहले ही हुआ है,
आप उस चीज को कैसे भूल सकते हैं? अगर आपने सुरक्षा दी होती, अगर आपने इन लोगों पे ऊपर कड़ा वो शिकंजा कसा होता, शिवसेना ने या किसी भी सरकार ने जो भी वहां पर रही है, एनसीपी रही या बीजेपी का कोलिएशन रहा, जो भी रही, अगर सख्ती की होती तो दाऊद भाग नहीं पाता, और अगर दाऊद भागा है तो उसमें कहीं ना कहीं किसी सरकार की कमजोरी रही है। और मैं यही कहूंगी कि बॉलीवुड को स्ट्रांग होने की जरूरत है। बॉलीवुड क्योंकि वर्ल्ड वाइड फेमस है, तो उसके लिए एक ऐसा माहौल चाहिए जहां लोगों को डर ना लगे। लोग आधे से ज्यादा जो लोग बनने हीरो हीरोइन चाहते हैं, उनके साथ गलत हरकतें ना हो, उन्हें ड्रग एडिक्ट ना बनाया जाए या उन्हें वेश्यावृत्ति की तरफ ना धकेला जाए। लड़कियों को इस टाइप का बना दिया जाता है या कास्टिंग काउच बन के रह जाती हैं वो, तो और लड़के भी इन्हीं चीज़ों में आ जाते हैं। तो मैं ये कहूँगी ये बहुत ही गलत है। इस माहौल से, ये हमारे देश की संस्कृति नहीं है, इस माहौल से निकलने के लिए अगर योगी जी ने कोई कदम उठाया तो उसकी सराहना करनी चाहिए, ना कि उनको बुरा भला कहना चाहिए। मैम, सुशांत सिंह राजपूत जी की डेथ के बाद बहुत सारी जो चीज़ें हैं सामने निकल के आई हैं, और ये जो सारी चीज़ें हो रही थी ये उद्धव ठाकरे सरकार के, शिवसेना के नाक के नीचे हो रही थी। तो क्या आपको लगता है, जैसा आपने अभी बोला था कि वो हर चीज़ों को नज़रअंदाज कर देते हैं, आंखें बंद कर लेते हैं, तो उनको सारी चीज़ें पता होने के बावजूद भी वो इन सारी चीज़ों को नज़रअंदाज क्यों करते हैं? क्या उन पर किसी चीज़ का प्रेशर है? जैसे हमें पता है कि डी गैंग और दाऊद गैंग का पैसा लगता हुआ है और उनके लिंक रहे हैं हमेशा से मुंबई और महाराष्ट्र, क्या उनका कोई लिंक हो सकता है या फिर वो इन सारी चीज़ों में खुद ही लिप्त होंगे? क्या लगता है आपको? देखिए, कोई ना कोई तो कारण रहा है जो वो चुप्पी साधते हैं, तो हटती नहीं उनकी चुप्पी कभी भी। आपने कभी देखा उद्धव जी का कोई ऐसा बयान आया हो जब उन्होंने डी गैंग के खिलाफ कुछ बातें कही हो या नेपोटिज्म को लेके कहा हो कि नहीं सुशांत के साथ गलत हुआ? तो यहाँ कहीं ना कहीं उनकी चुप्पी जो है मुझे ठीक नहीं लग रही। तो ऐसे चुप्पी साधना तो वही इंसान साध सकता है जो किसी के कर्ज के या तो नीचे हो या कहीं ना कहीं उसकी अपनी कोई कमजोरी हो। तो आप अपनी कमजोरी दूसरों पे नहीं, आपका जो दायित्व है, आप सीएम है, आपका दायित्व बनता है गलत के खिलाफ बुलंद आवाज करके बोले, ना कि गलत के खिलाफ चुप कर जाएं या कोई बयान ना दें या आंखें मूंद के बैठ जाएं। तो उद्धव जी को ये मेरी सलाह है कि अगर आपको सीएम का पदवी मिली है तो आप गलत का विरोध कीजिए, और आपसे कोई इंडस्ट्री छीन नहीं रहा, आप उसको वो सब चीज़ें वहाँ प्रोवाइड कीजिए। आपने कैसे इंडस्ट्री को, ये जो इतने सारे केसेस निकल के आ रहे हैं ड्रग माफिया के सारे इंडस्ट्री ही ऐसा लग रहा है कि मतलब 80% लिप्त है ड्रग्स के मामलों में, चाहे वो छोटे आर्टिस्ट हो चाहे वो बड़े आर्टिस्ट हो। अब बड़ों को देख देख के छोटे भी फिर वैसे ही काम करेंगे। और ये जो कास्टिंग काउच है, ये कहाँ से आया, क्यों आया, आपने क्यों आने दिया? चलिए जो हो गया सो हो गया, अभी भी आप सुधार कर सकते हैं, पर आप सुधार तो कीजिए, लगे तो सही कहीं ना कहीं कुछ बदलाव आ रहा है, लेकिन आप उंगलियां जो उठा रहे हो, और इंडस्ट्री इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी है कि अगर उसका कुछ पार्ट यूपी में शिफ्ट हो रहा है तो, और जो कि पहले से यूपी में था, मतलब नोएडा में फिल्म इंडस्ट्री है, लेकिन अब उसको और बड़ा करा जा रहा है कि जो यहाँ करना चाहता है काम यहाँ करे, जो मुंबई में करना चाहता है वो मुंबई में करे, तो इसमें बुराई क्या है? आपका काम छीना थोड़ना जा रहा है, आपको उल्टा राहत दी जा रही है कि कुछ काम उधर शिफ्ट हो रहा है। तो इसकी तो आपको सराहना करनी चाहिए, ना कि बुराई करनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया मैम।